शहर का कॉन्वेंट स्कूल एक बार फिर चर्चाओं में आया है। यहाँ पढ़ने वाली किशोरी बालिका के साथ सहपाठी छात्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। रतलाम थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है और दुष्कर्मियों की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो किशोरी बालिका के साथ पढ़ने वाले युवक ने करीब एक माह पूर्व किसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को पहले ब्लैकमेल किया और इसके बाद दुष्कर्म किया। युवक के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वो किशोरी बालिका को ब्लैकमेल करते हुए अपने दोस्तों को भी दुष्कर्म कराने अलग अलग स्थानों पर ले जाता था। फिलहाल पुलिस ने दो बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की। किशोरी बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की खबर आज सुबह से ही शहर में आग की तरह फैली हुई है और हर तरफ दुष्कर्मियों के इस कृत्य की निंदा हो रही है। इस मामले ने दोपहर में तूल पकड़ लिया और अखिल भारतीय परिषद के सैकड़ों पदाधिकारियों व सदस्यों ने थाना स्टेशन रोड के सामने धरना देकर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। कल एक ऐसा प्रकरण पुलिस के सामने आया है जिसमें एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ में उसी के क्लासमेट्स जो दो लोग हैं उन लोगों ने गलत काम किया और उसका फोटो खींचा है जिसके बेसिस पर वो उन्हें उसे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके बेसिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया और दोनों ही जो इसमें आरोपी हैं वो जाना चाहूँगा वो भी बालक जारी ही है और उनको पुलिस आज बालने प्रस्तुत करेगी। सर कब पहले से ब्लैकमेल करते आ रहे थे, कब से ब्लैकमेल कर रहे हैं? बस अभी पिछले 10 दिनों की घटना बता रही है। सेकंड वन सर, 3 तलाक के कितने मामले आए हैं और क्या कुछ बात निकल के सामने है? चलिए, पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो रतलाम में 2 मामले हुए हैं, एक IA रतलाम में और दूसरा ताल थाना अंतर्गत मामले पंजीबद्ध हुए हैं 3 तलाक के और इसमें पुलिस दोनों में ही मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे वो माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ओके, व्हाट्सएप पे हमने 3 तलाक दिए थे, क्या कैसे क्या किया? एक मामले में तो व्हाट्सएप के माध्यम से बता रहा है, दूसरे में लिखित बता रहे हैं।